नमस्कार दोस्तों, कथा कहानियों के इस चैनल फेबल फैंटेसी पर मैं शैली नारायण आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अलग अलग तरह की वसीयत के बारे में हम सब ने ज़रूर सुना होगा। हम में से कुछ ने अपने से बड़ों से उसे कभी ना कभी प्राप्त भी किया होगा। माता पिता का वश चले तो अपने बच्चों को अपना सब कुछ दे दें, लेकिन कभी आपने ऐसी किसी वसीयत के बारे में सुना है जहां संसार त्यागने वाले ने सच में सही मायने में अपना सब कुछ वसीयत कर दिया हो? दोस्तों, हमारी आज की बड़ी ही अनोखी कहानी श्रीमती आदर्शनी श्रीवास्तव जी के द्वारा लिखी हुई है। आदर्शनी जी एक महान रचनाकार, बेहतरीन कहानीकार और कवियत्री हैं, जिनके गुणों के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। कहानी का नाम है महावसीयत। आइए सुनते हैं। जो यहाँ का है यहाँ ही दे चलो, वरना फिर बक्से खंगाले जाएंगे, वरना फिर बक्से खंगाले जाएंगे। सुबह 7 बजे का समय था। सबके घर सूचना पहुंचाई जा रही थी। सबके मुंह से आश्चर्य मिश्रित आह निकलती। कुछ को बोलने को कुछ समझ ना आता और वे मौन रह दर्द में डूबी सूचना सुन लेते। कोई कांडिक को सांत्वना देता, कोई कहता ओह ये कैसे हो गया, कोई कहता मैं अभी निकलता हूँ, तुम अकेला महसूस मत करना। सुहासी लेटी हुई मुस्कुरा रही थी, मुख पर सफ़ेद चादर डाले, और जहाँ जहाँ फ़ोन से सूचित किया जा रहा था वहाँ वहाँ वो स्वयं अपनी कल्पना शक्ति से पहुँच वहाँ की स्थितियाँ देख रही थी। यही तो वो करती आई थी अब तक। लोग जहाँ पहुँचने में हजारों खर्च करके पहुँचते और समय भी गंवाते, वहाँ वो अपनी कल्पनाशीलता से मिनटों में पहुँच जाती। किसी भी विषय पर कविता या कहानी लिखनी हो, वहाँ की स्थिति देखती, उस स्थिति में खुद को डुबोती, कभी हंसती, कभी मुस्कुराती, कभी आँखें भी छलकाती। फिर उस समय वो स्वयं जहाँ दिखती थी वहाँ होती कहाँ थी? जो लोगों को दिखता था वो होता था मात्र देह। मन तो कभी कोसों दूर होता, कभी आस पास ही कहीं विचरता। अपने सूक्ष्म तत्व से वो उस स्थान पर होती जहाँ जिस आधार पर कविता जन्म लेती। फिर जो सच सवर कर रचना सामने आती तो लोग वो पढ़कर भाव विभोर हो जाते। आज भी यही हुआ। वो हर घर में होने वाले तमाशे को देख रही थी। कोई कह रहा था अभी बॉडी घर नहीं पहुँची होगी, जल्दी जल्दी कुछ बना लो, पूरा दिन भूखा कैसे रहेंगे, इतनी दूर सफ़र भी करना है। कोई कह रहा था अच्छा हुआ आज जल्दी ही सब्जी रोटी बना ली थी। कोई कह रहा था इतने सालों से दवा चल रही थी पर बहुत हिम्मती थी सुहासी। किसी ने कहा हम तो जा रहे हैं पर आज से तवा कढ़ाई नहीं चढ़ना है, पर तवा उल्टा करके या एल्युमिनियम की प्लेट में रोटी बना लेना, ऐसे ही समय में वो काम आती है इसीलिए उसे फेंकते नहीं। आजकल पूड़ी पराठा कौन खा पाता है बरखी के खाने तक, और बाप रे बिना खाए तो रहा ही नहीं जाता, गैस बनने लगती है। कोई कहता दवा खाना है कुछ तो खाना ही पड़ेगा, यहाँ लाश कहाँ है कुछ खा ले, सब जैसे जन्म के भूखे थे। लोग घर सुव्यवस्थित कर हल्का सिंगार कर भूख ना होने पर भी ज़बरदस्ती ठूस ठास कर कुछ घंटों का उपचार कर निकलने की तैयारी कर रहे थे। कोई नेट पर एसी का टिकट देख रहा था, कोई जनरल का, कोई बस से ही आने की सोच रहा था। कुछ के पास असमय ही अत्यंत व्यस्तता आन पड़ी थी, वो शुद्धि तक पहुंचने का वादा कर रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो सचमुच दुखी थे, गला रुंधा रुंधा था, बस काम निपटा रहे थे, किसी के प्रश्नों का जवाब देने की सामर्थ्य नहीं थी, बस डबडबाई आँखों से कुछ कुछ करते, बीच बीच में गालों को पोंछ लेते।
वो ऐसे थे जिन्हें ऐसी स्थिति में देखकर सुहासी खुश नहीं थी, वो भी दुखी हो गई। तभी सुहासी गर्मी के मौसम में ठंड से कपकपाने लगी। अरे यार, कितनी ठंडी जगह लेटा दिया, वो भी बॉक्स में। वो मुस्कुरा दी, लापरवाही से बोली, जाने तो अब कौन सा बीमार पड़ना है। पर सही है, उस बर्फ की सिल्ली से तो अच्छा ही है, गीला गीला तो नहीं, पर उसका भी अपना आनंद होता होगा। जैसे समुद्र के किनारे पैर के नीचे से रेत खिसकती है, उसी तरह धीरे धीरे बर्फ पिघलती होगी, शरीर अंदर धंसता होगा। उसे बचपन में सोते सोते बहनों का चादर खींचना भी याद आ गया। उसने खुद ही कहा, वाह रे सुहासी, तू मरते दम तक कल्पना कर रही है, लगता है जन्म जन्म कवियत्री या लेखिका ही बनना है तुझे। अपनी सारी सोच विचार पर उसके मुंह पर स्मित हास था। अचानक हंसता चेहरा उदास हो गया, सारी मस्ती काफूर हो गई। इस स्थिति में भी उसका दम मानो फिर घुटने लगा। उसे बहुत याद आने लगी प्रधा की, पुंजिका की और मनस की। कैसे होंगे वो तीनों, पर मुझे वहाँ जाकर उन्हें देखने की हिम्मत नहीं। बस सोचने लगी, प्रधा मेरी तरह है, वो एकांत में तड़पेगी, सबके बीच ना आंसू गिराएगी, ना उसे देखकर किसी को लगेगा कि उसे विशेष कष्ट है, लोग उसे हृदयहीन समझेंगे। लेकिन मुझे पता है वो मुझसे सबसे ज़्यादा जुड़ी है, उसका कोई काम मेरे विचार को जाने बिना होता ही नहीं। और पुंजिका, उसने तो जब से सुना होगा रो रो के बुरा हाल होगा, वो बचपन से ही ऐसी थी, रोनी पिनपिनी, बड़े होने तक ठुनठुनाती पीछे लगी रहती थी। अपने चाचा की शादी में भीड़ देख क्या रोते ही बीता था समय उसका। मेरा आंचल पकड़े साथ साथ घूमती और मैं उसे डांटते डपटते दुलराते काम करती जाती। और मनस, उसने एक चुप्पी साध ली होगी, जाने क्या क्या समेटे हैं अंदर, उसका मन का हाल कुछ पता ही नहीं चलता। 25 साल का होने को है, अभी तक उसकी माँ सुहासी ही उसे नहीं समझी तो किसी और का तो क्या ही कहें। मौन तो मौन, उससे ऐसे समय में जो जो कहा जाता रहेगा वो यंत्र चालित की तरह करता रहेगा। उसके आंसू किसी को दिखेंगे नहीं, पर वो रोएगा। खुद मैंने उसके आंसू कभी नहीं देखे, पर ऐसा नहीं कि वो सदा सुख से ही पला है, बहुत झंझावात झेले हैं उसने भी हम सब के साथ। वह बुदबुदाई, 3 बच्चे 3 नमूने। ये बोलते समय दिमाग की नस कुछ ढीली पड़ी, पर मातृत्व और वात्सल्य से जड़ शरीर में भी जैसे छाती फटने लगी। लगा उठे और उन तीनों को जकड़ दहाड़ मार कर रोए, आखिर अपने बच्चों को कैसे छोड़ूं, वो करा उठी। कितना मजबूर हो जाता है इंसान, देखता है सोचता समझता है पर अभिव्यक्त नहीं कर सकता, कुछ कह नहीं सकता, हिल नहीं सकता। काश मरने के बाद तुरंत चेतना भी शून्य हो जाया करती, और कर्णिक भी तो, पर अभी उन्हें फुर्सत नहीं मिली है, अभी अस्पताल निपटा रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं, और अभी शायद ऐसा ही रहेगा 1 महीना, अभी उन्हें फुर्सत नहीं मिलेगी फ़ोन से। रात में थोड़ा सोचेंगे, पर सोते भी बहुत जल्दी हैं, लेटे नहीं कि सोए, उतना याद नहीं करेंगे जितना सबसे चर्चा करेंगे। घर में अगर एक मक्खी ने भी हलचल कर दी तो फिर मोहल्ला, दोस्त, ससुराल, भाई बंधु सबको पता ना चल जाए तब तक चैन कहाँ, फोन पर फोन, इधर फोन उधर फोन। इसीलिए घर में सब बात उनको सबसे देर में पता चलती या बताई जाती, कि उन्हें बताया नहीं कि हल्ला दुनिया जहान में। उसे आज भी खींच लगने लगी और कह दिया, आप अपनी बात सबको बताया कीजिए, मेरी नहीं, और मुस्कुराकर एक आंख दबा दी। अरे, कुछ लोग आने लगे हैं, देखें क्या कह रहे हैं। सबके एक ही सवाल से शुरुआत, ये कैसे हुआ, तबीयत खराब थी क्या, जबकि पता था
की तबीयत खराब थी। कर्णिक मुंह लटकाए सुन्न बैठे, रटा रटाया सा सबको जवाब देते। आखिर कोई एक ही सवाल का अलग अलग जवाब कहाँ से लाए। कोई पूछता, कब तक ले जाने को कहा है डॉक्टर ने? सच पूछो तो उन्हें खुद घर जाने की जल्दी थी, कौन भला इस मनहूस माहौल में रहे। अपने क्या सबके गम कम है? हाँ ले तो जाना है, बस पुंजिका का इंतजार कर रहे हैं, वही दूर से आ रही है। फ्लाइट पहुंच गई है, बस आती ही होगी, और कुछ हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी है। प्रश्न हुआ, पर पुंजिका का इंतजार यहाँ क्या करना जरूरी है? सुहासी खींची, अरे भैया तुम्हें जाना हो तो जाओ, सबको अपना काम करने दो। हमेशा से हम और बच्चों में इतना विश्वास रहा है कि कभी चोरी से किसी ने एक दूसरे की व्यक्तिगत चीज़ें नहीं पढ़ी। अगर कोई ख़त आ जाता तो वो तब तक बंद रखा रहता जब तक उस खत का स्वामी ना आ जाए। इसीलिए सुहासी ने अपनी वसीयत का राज सिर्फ अपने बच्चों को बताया था। एक पन्ना प्रधा को लिफाफे में बंद करके दिया था और उससे कहा था, इसे जब हम मर जाएंगे तब ही खोलना। सुहासी ने जीवन की नश्वरता और मृत्यु अवश्य संभावी है इसके विषय में कहानियों के जरिए बचपन में बताया था। अपने बच्चों को उसने कहानियों और लोरियों के जरिए सत्संस्कार दिए थे। सुहासी ने ये भी कहा कि जब हम अस्पताल में रहे तभी इसे डैडी और डॉक्टर अंकल के सामने खोलना। इसमें लिखी बात अभी से कहने से बेकार रोका टोकी होगी। प्रधा को इतनी कठोर बात अच्छी नहीं लगी थी, पर उसने उसे ले लिया था। प्रधा अपने पति के साथ पहुंच चुकी थी, मनस भी था, पुंजिका पहुंची ही थी। कर्णिक ने कहा, हाँ प्रधा बेटा अब खोलो लिफाफा, डॉक्टर अंकल भी हैं। ऐसा क्या है इसमें जो अस्पताल में ही पढ़ना ज़रूरी है? धीरा प्रधा की अंदर तक घुटी घुटी सांस बांध तोड़ उफन पड़ी। औरों ने उसे संभाला, उसने भी स्वयं को हमेशा की तरह संयत किया। उसने रुक रुक कर पढ़ना शुरू किया। लिखा था, मेरी वसीयत। कर्णिक, सबकी आखिरी इच्छा का मान रखना तो होता ही है। मेरी वसीयत का अन्य पन्ना तो घर में है, लेकिन एक पन्ना प्रधा के पास सुरक्षित था। आप इसका मान रखेंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। आगे लिखा था, मैंने पहले ही अस्पताल आकर अपनी बॉडी के पार्ट्स डोनेट करने के लिए फॉर्म भर दिया था। अगर आपसे बताती तो आप कभी ना मानते। मेरी दोनों आँखें किसी नेत्रहीन की आँखों को रोशनी देंगी। मेरा गुर्दा किसी को 10-20 साल की ज़िंदगी दे सकता है। मेरा हृदय किसी और शरीर में धड़कता रहेगा। फिर बताइए, हम मरे कहाँ? हम यहीं रहेंगे आप लोगों के बीच। हर इंसान में मेरा अंश देख आप सबसे प्यार कर सकेंगे। फिर उसके बाद क्या बचेगा? सिर्फ हड्डी और खाल। मैंने अब तक की ज़िंदगी में अनेक मौतें देखी हैं, हाँ महसूस किया है। मैंने अन्य के शव को जलते हुए लोगों के भावों को, लोग मनाते हैं जल्दी से जलें तो कुछ खाएं और घर जाएं और अपने को महान अनुभव करें कि हम किसी की मिट्टी में गए थे। कुछ लोग तो इतनी देर में समोसा भी छुपकर खाने लगते हैं। अतः मेरी इच्छा है कि यहीं शवदान गृह में मेरी अंत्येष्टि हो जाए और जब राख प्रवाहित करने का दिन हो उस दिन ब्रह्म भोज और नाते रिश्तेदारों को नहीं बल्कि किसी अनाथ आश्रम या भूखे लोगों या गरीब लोगों को भोजन कराया या अन्नदान किया जाए। रोइएगा नहीं, चरण स्पर्श, बच्चों को प्यार। कार्णिक, प्रधा, पुंजिका, मनस और कुछ और आत्मन अपने आंसू न रोक पाए। कई लोगों के मुंह से प्यार से निकला, पगली है लड़की, लेकिन और उपस्थित लोगों की आंखों में अलग अलग भाव थे। दुख की बेला में भी कुछ गर्वित थे, कुछ हर्षित, कुछ का हृदय प्यार से छलछला आया था और कुछ के भीतर के भाव थे। बड़ी नौटंकीबाज है। दोस्तों,
है ना बड़ी ही अनोखी और प्रेरणादायक बात। शरीर तो हम सबको त्यागना है, संसार से हम सबको एक ना एक दिन विदा जरूर होना है, लेकिन अपने संसार त्यागने के बाद दुनिया में रहने वाले उन लोगों के लिए भी सोचना जिन्हें दुनिया में सुख और शांति से रहने के लिए शरीर के किसी ना किसी अंग की ज़रूरत है, और जाते जाते अपने शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को उनके नाम कर जाना अपने आप में एक बहुत ही महान विचार है। क्या यह कहानी हम सबको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सबक देकर नहीं जाती? सोचिएगा ज़रूर। इसी के साथ आज विदा लेती हूँ, बहुत जल्द फिर मिलूँगी एक ऐसी ही अनोखी प्रेरणादायक और खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। दोस्तों, अब तक अगर ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करें। पसंद आए तो कहानी को लाइक और शेयर करें। कहानी से संबंधित अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्न रहें। नमस्कार।